नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह और इस वक्त हम हैं हरमू पंच मंदिर के दुर्गा पूजा पंडाल में, जिसकी 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम यहां के पंडाल होते हैं और शहर के बीचों बीच होने के कारण सभी तरफ से यहां पे श्रद्धालु आते हैं और आकर यहां पर आनंद उठाते हैं, पंडाल का अवलोकन करते हैं और हर बार यहां कुछ ना कुछ नया बनाया जाता है। इस बार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मनोज पांडे जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं वो हैं, और आप देख सकते हैं उससे पहले कि ये स्वामी नारायण मंदिर जो कि अहमदाबाद गुजरात का है उसका प्रारूप बनाया गया है और बहुत ही कहा जाए तो भव्य और अत्यंत मनमोहक यहाँ का दृश्य है। साथ ही साथ जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनकी भी प्रतिकृतियाँ बनाई गई हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे देश भर में, और पूरा जो विद्युत व्यवस्था है और कुंड बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और हम मनोज जी हमारे साथ, हम पूछते हैं मनोज जी से और विशेष बातें। मनोज जी बताइए कि क्या क्या, हालांकि स्वामीनारायण मंदिर का दृश्य है, जो ज्योतिर्लिंग है वो तो है ही, कुंड दिख रहे हैं और क्या? देखिए, गुजरात का स्वामीनारायण मंदिर का एक जीवंत प्रारूप हम लोगों ने प्रयास किया है और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर कारीगरी के साथ इस पंडाल का निर्माण हुआ है। आप ये मुख्य मंदिर के सामने ये सरोवर देख रहे हैं, सरोवर एक मूल स्वरूप में, साथ ही उसके आसपास 12 ज्योतिर्लिंग उसकी प्रतिकृति बनाई गई है और जो मुख्य गेट है वहाँ से श्रद्धालुगण आएंगे और एग्ज़िट का रास्ता बिल्कुल अलग है। बगल में मेला का आयोजन किया गया है, फूड कोर्ट का आयोजन किया गया है और सबसे खास बात हमारे पूजा पंडाल का है, मूर्ति आपको प्रतिमा जो है माँ की वो बिल्कुल अलग प्रकार की दिखेगी। पिछले 10 सालों से हम लोग लगातार प्रतिमा में प्रथम या द्वितीय स्थान लेते रहे हैं। इस बार भी हमारे प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनके निर्देशन में ये सब तैयार होता है, अमिताभ मुखर्जी जी, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और उनके अथक प्रयास से ये संभव हो पाया। और जो रिस्पॉन्स है मुझे लगता है रांची के श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालुओं की काफ़ी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और श्रद्धालुगण यहाँ आए, आस्था के साथ पूजा अर्चना करें, साथ में मनोरंजन के साधन मौजूद हैं। तो सब मिला के हम लोग की कोशिश है कि पूरी तरह से एक परफेक्ट दुर्गा पूजा का आयोजन उस पंडाल में हो और लोग उसका आनंद लें। बिल्कुल, और हमेशा से मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर ये देख रहा हूँ मैं कि सरोवर का भी आप लोगों ने प्रारूप बनाया है और यहाँ पर सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके लिए क्या किया गया, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, कई उत्साहित श्रद्धालु हैं, वो बीच में आना चाहते हैं, बीच में जो रास्ता बना हुआ उससे भी आना चाहते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या आप लोगों ने दिशा निर्देश जारी किए और क्या उपाय भी हैं? देखिए, पूरी बैरिकेडिंग की गई है, पुख्ता बैरिकेडिंग है, साथ ही हमारे निजी सुरक्षाकर्मी और हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं वो हर तरह से सजग और चौकन्ने हैं, किसी तरह की कोई दुर्घटना घटना न हो उसके लिए पूरे सजग हैं। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं वो VIP मूवमेंट के लिए रखा गया है, साथ ही आसपास जो दो लेन हैं वो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग हैं और वो काफ़ी चौड़ा है, उसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी और हम लोग पूरे सजग हैं कि कोई कहीं से किसी, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ परेशानी, मेरी भी माँ से प्रार्थना है कि किसी किस्म की कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। मैं चाहूँगा, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, क्या अपील करेंगे आप श्रद्धालुओं से? देखिए, हरमुख दुर्गा पूजा पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के इस पंडाल में तमाम रांचीवासियों से मेरा निवेदन है, ज़रूर आएँ और यहाँ आके माँ के पूजा अर्चना में एक अहम हिस्सा बने, यहाँ के मनोरंजन के साधन है उसमें लुत्फ उठाएं, साथ ही यहाँ जो एक विहंगम दृश्य है जो कलकत्ता हुगली के कारीगरों के द्वारा उतारा गया है उसका अवलोकन करें। मुझे नहीं लगता है कि रांची में इससे पहले इतनी बेहतरीन पूजा कहीं हुई होगी। साथ ही अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि अपने छोटे बच्चों के जेब में पुर्जा रख दें, नाम पता फ़ोन नंबर का, बच्चों के प्रति सजग रहें, उनको अपने से दूर न करें, जेब कतरों और चेन स्नैचरों से सावधान रहें, क्योंकि भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर लोग अनुचित लाभ लेते हैं और भीड़ भाड़ रहेगा तो अलर्ट रहने की आवश्यकता है।
बाकी व्यवस्था पूजा कमेटी के लोग देखें। भव्य पंडाल जो आपके समिति, देखिए आज जिस स्थान पे आप खड़े हैं हम खड़े हैं, ये पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति है और यहाँ पे बरसों से हम लोग यहाँ माँ का पूजा करते आए हैं, उनकी आराधना करते हैं यहाँ पर, और दिन पर दिन भव्य पंडाल और भव्य प्रतिमा का यहाँ पर लोगों के अवलोकनार्थ हम लोग माँ का प्रतिमा स्थापित करते हैं और प्रत्येक पूजा में हम लोग माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि झारखंड सहित पूरे देशवासी सुख समृद्धि के साथ रहें, शांति भाईचारे के साथ रहें और पूजा को पूजा के तरह मनाएं, हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। इसलिए हम लोग काफ़ी महीनों से इसके लिए प्रयास करते हैं और वो सफल तब होता है जब हम माँ का विसर्जन कर देते हैं और लोग उसका आनंद उठाते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इस बार भी लोग आएं, आनंद उठाएं और दुर्गा पूजा में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और राज्य और देश के खुशहाली की कामना करें। कि श्रद्धालु आए इस पंडाल में, इस पंडाल की भव्यता का आनंद लें। जो यहाँ पे नारायण स्वामी मंदिर का जो यहाँ पे आकृति बनाई गई है, प्रतिकृति बनाई गई है, उसको देखें और पूजा करें और साथ ही साथ मेले का भी आनंद लें, साथ ही जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा का भी ख्याल करें और व्यवस्था में समिति को सहयोग दें। सहयोगी उपेंद्र शंखवार के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।